one? दो चैप्टर हो गए थे ना, वही बचे हैं ना, अब रिकॉर्ड करना तो नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ टेंशन मत ले, दो ही तो बच्चे हैं। ठीक है, देखिए आपके लास्ट के दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, और एक छोटा सा टॉपिक बचा आपका कैपेसिटेंस का, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे कितने एएमपी क्वेश्चन से पूरे चैप्टर आपका डिवाइडेड है फोर पार्ट्स में। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक इंट्रोडक्शन हमको पता होना चाहिए। एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, एसी सर्किट का रेजिस्टेंस, एसी सर्किट का इंपीडेंस, एसी सर्किट का कैपेसिटेंस, तीनों को मिला के आपका बनता है एलसीआर सर्किट, इसका डेरिवेशन, एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन पहला क्वेश्चन। देन यहाँ पे आता है आपका ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ना है, कॉपर लॉसेस, एडी लॉसेस, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल वर्किंग, सब कुछ फंक्शन। उसके बाद आता है आपका एसी जनरेटर, उसके बाद क्या आता है आपका एसी जनरेटर। तो ये चार चीज़ों में मिलके आपका पूरा चैप्टर डिसाइडेड है, एक आपका अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट, देन आपका एलसीआर सर्किट, ट्रांसफार्मर और आगे के आपका एसी जनरेटर, इसी को क्या बोलते हैं एसी डायनामो। ठीक है, तो दो बड़े क्वेश्चन है यहाँ पे आपके, ट्रांसफार्मर भी है और एसी जनरेटर भी है, सेम इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट आपका एलसीआर का डेरिवेशन भी है। तो आज हम पार्ट वन पूरा कंप्लीट करेंगे इसका। तो हेडिंग डालिए अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या, हाँ ऐसा करंट जो अपना पाथ चेंज करता है, वेरी गुड, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन। तो ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और कुछ देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं एसी करंट, ऐसा करंट जो अपना पाथ चेंज करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को समझने से पहले हम समझते हैं करंट को, फिर करंट के टाइप्स को, फिर हमको पढ़ना कौन सा आपका एसी करंट। तो देखो हमको ये पता है करंट क्या होता है आपका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट क्या होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है Q इज इक्वल टू क्या था आपका एन ई कॉन्टेंशन ऑफ चार्ज, और I का फॉर्मूला क्या था I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जिसको हम क्या बोलते हैं Q इज इक्वल टू IT। तो चार्ज है वो आपका मल्टीप्लाइड होता है, ये हमको फॉर्मूला पता था, हमने पहले पढ़ चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखो करंट आपके दो टाइप के हैं, तो करंट क्या होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, करंट आपका होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट आपके दो टाइप के, पहला है आपका डायरेक्ट करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं डीसी, और एक है आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम क्या कहते हैं एसी। देखिए डायरेक्ट करंट का मतलब होता है ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, इसमें जो करंट है या जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी डायरेक्शन क्या करता है चेंज नहीं करता। सपोज जैसे ये आपका ग्राफ है, तो करंट आपका डायरेक्टली फ्लो होता है, करंट आपका क्या होता है डायरेक्टली फ्लो होता है, ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, मतलब यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके सेम है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आपके सेम, एक ही पाथ में एक ही डायरेक्शन में। डायरेक्ट करंट का प्लस पॉइंट ये है कि इट कैन बी स्टोर्ड, इट कैन बी स्टोर्ड, ना ही इसका मैग्नीट्यूड ओवर टाइम चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड ओवर टाइम भी चेंज नहीं हो रहा, इट कैन बी स्टोर्ड। तो इसलिए हम इसको स्टोर किस में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बैटरी, किस में स्टोर करते हैं बैटरी में और सेल्स में, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं बैटरी में और सेल में। तो जितने भी आपके बैटरीज एंड सेल हैं, आपके वॉच के सेल, आपके कैलकुलेटर के सेल, आपके वॉल के सेल, जितने भी जगह पे अपने सेल, रिमोट के सेल, सब के सब कैसे हैं आपके डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल है। आपके कार की बैटरी किसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट करंट का। अगर क्वेश्चन आ गया आपका एक नंबर का यूज एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट का यूज, तो कहाँ पे होता है आपके बैटरीज एंड सेल। अपोजिट आपका क्या है आपका अल्टरनेटिंग करंट, इसमें देखो क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, सपोज ये डायरेक्ट आपका करंट डायरेक्ट है डीसी,
अल्टरनेटिंग करंट में आपके साइनोसोइडल कर्व बनता है। क्या बनता है? साइनोसोइडल कर्व। इसको क्या बोलते हैं? साइनोसोइडल कर्व, वो जिसको बोलते हैं साइन कर्व। साइन कर्व का मतलब होता है एक वैल्यू आपकी मैक्सिमम आती है और एक वैल्यू आपकी कहाँ चली जाती है? मिनिमम। इस ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम है तो दूसरी वैल्यू क्या है आपकी? मिनिमम। वेरी गुड। इसको बोलते हैं साइनोसोइडल कर्व, और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? साइन फंक्शन का कर्व। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ना साइन कॉस थीटा, ये है आपका साइन फंक्शन जो स्टार्ट होता है। अगर मैं बोलूँ कॉस थीटा तो वो कहाँ से होता है? नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेम वही है, बस अपोजिट है। तो ये कैसा फंक्शन है आपका? साइन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको पता है कि करंट मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कैसे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? माइनस सी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी ऊपर जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है? फिर नीचे। फिर कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, फिर कभी नीचे जा रहा है, फिर कभी जा रहा है ऊपर और कभी नीचे। ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इसीलिए इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए हम अल्टरनेटिव करंट को स्टोर नहीं कर सकते किसी इस फॉर्म में। टेम्प्रेरली हम स्टोर कर सकते हैं, टेम्प्रेरली हम ट्रांसफॉर्मर में स्टोर कर लेते हैं, पर हमको फिर आगे फ्लो चालू करना पड़ता है। यहाँ पर कैसा है, मैं बैटरी को यूज़ नहीं करूँगा तो बैटरी मेरे पास है ना, काम कर रही है। सेल मेरे पास रखा हुआ है तो मैं 5 महीने बाद भी उसको यूज़ कर सकता हूँ, साल भर बाद भी यूज़ कर सकता हूँ। जिस दुकान में रखा है सेल, जो कंपनी ने बनाऊंगा 1 साल पहले 2 साल पहले, वो अभी मैं लेके आऊँगा तो यूज़ कर सकता हूँ। पर अल्टरनेटिव करंट को ऐसा नहीं कर सकता। अल्टरनेटिव करंट जैसे बना हमने ट्रांसफॉर्मर लेके आया, उसको आपको आगे क्या करना है? सप्लाई। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर डायरेक्शन आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेस। और यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा था क्या? नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी चेंज हो रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में? नहीं, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन आपका क्या हो रहा है? चेंज, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? क्रैश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ। और इसके बीच के हाइट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो अल्टरनेटिंग करंट जो है, हमको पता है, ये तो पता चल गया कि बैटरी है और ये बनाते हैं आपके। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ एसी डायनमो। किसकी मदद से बनता है? एसी डायनमो, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। एसी डायनमो और एसी जनरेटर आपके चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। जिस दिन मैं ये लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा उस दिन आपका चैप्टर कंप्लीट होगा अल्टरनेटिंग करंट का। तो आपके चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है एसी जनरेटर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर और एलसीआर सर्किट। एलसीआर 4 का है, बाकी ये दोनों कितने के आपके? 5 मार्क्स के। इसमें एक एक लेक्चर पूरा का लगेगा। तो कल मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर कंप्लीट कराऊंगा पूरा। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। अब क्या होता है, दोनों के यूजेस भी अलग अलग है, दोनों के यूजेस भी अलग अलग है। अगर सपोज मेरे को बोला डायरेक्ट करंट, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज जैसे अगर मैंने घर पे यूज़ कर लिया इसको, डायरेक्ट करंट को कहाँ यूज़ कर लिया? घर पर यूज़ कर लिया। सपोज ये मेरा घर है, यहाँ मैंने यूज़ करा इसको। ठीक है, तो यहाँ से लाइन आई, यहाँ पे घर पे एक लाइन है। सपोज यहाँ पे हल्का सा कुछ ब्रेक हो गया, तो जैसे ही अगर यहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ तो पूरे घर की लाइट क्या हो जाएगी आपकी? बंद। पूरे घर की लाइट क्या हो जाएगी आपकी? बंद हो जाएगी। और अल्टरनेटिव करंट में क्या होगा, अगर इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हुआ तो हम दूसरा सेक्शन हमारा चलते रहेगा, दूसरा सेक्शन हमारा चलते रहेगा। तो लाइट कभी भी घर पे जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है उसमें कौन सी लाइट होती है आपकी? एसी करंट होता है। और सर्किट कैसा होता है आपका? पैरेलल। कैसा होता है? पैरेलल, सीरीज में नहीं होता। सीरीज में अगर होगा तो, अगर एक सीरीज आपकी ब्रेक हो गई तो आगे फ्लो ऑफ करंट होगा नहीं। तो घर पे कैसा है आपका? पैरेलल कनेक्शन है और अल्टरनेटिंग करंट है। ये वाइब हमें पूछते हैं, घर का कनेक्शन कैसा है डोमेस्टिक सर्किट का आपका? पैरेलल एंड एसी करंट। ठीक है, तो डीसी कहाँ यूज़ करते हैं? कार में। डीसी कहाँ यूज़ करते हैं? कार में। वैसे नॉर्मली शॉर्ट डीसी वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस है। जहाँ पे क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस है। अब देखो जैसे आपकी जो भी टेस्ला गाड़ी आ रही है, गाड़ी के अंदर ही करंट है आपका। तो जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब कैसी है आपकी? डीसी करंट पे वर्क करती है। सब किस पे करती है? डीसी करंट पे वर्क करती है। नहीं तो क्या चलता फिरता ट्रांसफार्मर रख दे गाड़ी के ऊपर, फिर रॉकेट कैसे भगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो किस पे वर्क करती है? आपके डीसी करंट पे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। नहीं नहीं, अपन पढ़ेंगे उसको, वो चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था उसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पाँच एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, संडे तक मैक्सिमम हो जाएगा पूरा।
ठीक है, वहाँ पे एक पॉइंट और लिखना मैग्नीट्यूड के साथ, आपने लिखा था, मैंने बोला है यहाँ पे दो पॉइंट, उसको भी लिख लेना, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, नो चेंजेज इन डायरेक्शन। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसा है आपका, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो है वो कैसी है आपकी, कांस्टेंट है, बोला था शायद मैंने, है ना। मैग्नीट्यूड आपकी यहाँ पर, आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड, वेयर इज विथ टाइम, ठीक है। किधर लिख क्यों नहीं रहा, अरे अब कब कंप्लीट करेंगे, एक महीना तो बच्चा एग्ज़ाम को, अभी क्या लास्ट टाइम तक कॉपीज कंप्लीट करते रहोगे क्या, तो ये भी तो नया चैप्टर है ना, अभी कॉपी बना के लिखना था ना अपने को, ऐसे जाके क्या बायो के लाया था, अरे वाह धन्य को कौन देगा जेरोक्स रात के टाइम में, लास्ट में कल्याणी संडे के बाद से किसी को कॉपी मत देना, ये संडे जो आएगा जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उसके बाद से किसी को भी कॉपी नहीं देना, चाहे बायोलॉजी की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की, कोई चाहे बॉयज़ हो या तेरा फ्रेंड हो, साफ बता दे रहा सभी गर्ल्स को, ये संडे लास्ट है, क्योंकि आखिरी के टाइम पे अगर कोई कॉपी लेके गया ना तो वापस आएगी नहीं, क्योंकि कोचिंग के बाद फिर क्या होगा, जैसे एकदम रिविजन चालू होता ना तो कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो मैं उसके बाद गारंटी नहीं लूँगा कि सर मेरी कॉपी उसके पास है दे देना, ये अपन काट देंगे कल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे अपन। ट्रांसफार्मर पूरा एक घंटा जाएगा मेरा, हाँ तीन अखबार ब्लैक बोर्ड मिटेंगे उसमें, तो पांच नंबर है ना भाई, एड्स पढ़ा था ना तूने, थ्योरी है पूरी, एड्स पढ़ा था ना, हाँ कैसा था उसमें, सात आठ पॉइंट थे ना, कोई भी तीन पूछते थे, वैसे ही ट्रांसफार्मर है, पांच छह पॉइंट है, कोई भी तीन पूछता हो, हो गया लिखा। ठीक है, हेडिंग डालिए एसी सर्किट, ठीक है, हेडिंग डालो एसी सर्किट। अब देखिए एसी सर्किट में हमें पढ़ना है एसी करंट का जो वेरिएशन है, एसी करंट का वेरिएशन जो है विथ रेजिस्टेंस, फिर एसी करंट का वेरिएशन विथ कैपेसिटेंस, ठीक है, एक होता है हमारा इंपीडेंस,
तो एसी करंट का वेरिएशन हमको पढ़ना है रेजिस्टेंस के साथ, कैपेसिटेंस के साथ और इम्पीडेंस के साथ, तीनों को मिला के बोलते हैं एलसीआर सर्किट। तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? एलसीआर सर्किट। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तीनों सर्किट को एक साथ लगा देंगे तो क्या होता है, जो घर में हम यूज़ करते हैं वो यही है, ठीक है। तो सबसे पहले डेट डालो एसी वेरिएशन विथ रेजिस्टेंस, एसी वेरिएशन विथ रेजिस्टेंस, और ग्राफ हमें पास मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब एसी सोर्स का मतलब होता है जहां से आपका अल्टरनेटिंग करंट निकल रहा है। एसी सोर्स क्या होता है आपका? जहां से आपका अल्टरनेटिंग सोर्स निकल रहा है। और ये कैसा है आपका? एसी साइनोसोइडल फंक्शन है। कैसा है? एसी साइनोसोइडल फंक्शन, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। एसी करंट का सिंबल ऐसा है, एसी करंट का सिंबल क्या है? ऐसा कर्व है, मतलब कहीं पे इंक्रीज हो रहा, कहीं पे क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, ठीक है। अब देखो यहां पे ये है करंट का, ऐसा करंट जा रहा है आपका, जो पीक पॉइंट है, जो क्या है आपका पीक पॉइंट है, उसको बोलते हैं वीएम। वीएम मतलब वोल्टेज वहां पे मीन है, मतलब पॉजिटिव, मतलब सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज है, ठीक है। तो उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये है फंक्शन आपका। साइन ओमेगा टी क्या है आपका? ये साइनोसोइडल कर्व का क्या है? फंक्शन है। तो वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वेयर वी एम क्या है? इसका पीक पॉइंट है। फिर हमको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमको पता है ओम्स लॉ क्या होता है आपका? V इज इक्वल टू आई आर, वेरी गुड। तो अब अपन क्या करेंगे, V की वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। V की वैल्यू हमने इसमें यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर इसको बंद दे दो, V की वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर, वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे यहाँ से करंट की वैल्यू निकालना है, मुझे क्या करना है? करंट की वैल्यू निकालना, तो क्या होगा आपका? ये लिखा है वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर है, तो करंट की वैल्यू निकालना, तो आर कहाँ चले जाएगा? नीचे, मतलब वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो गया आपका? करंट इक्वल टू क्या हो गया आपका? करंट, ठीक है। लिखिए ठीक है, और आपके बुक में इसको छोटा सा एक पॉइंट से और एक्सप्लेन किया गया है, वी एम अपॉन आर इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एम से। जैसे अपने Vm लिया ना, वैसा करंट आपका मैक्सिमम होगा, तो Im क्या हो गया आपका? Im इक्वल टू क्या हो गया? Vm अपॉन R। Im क्या हो गया आपका? Vm अपॉन R, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो फिर कैसा होगा? Im साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो गया? I, वेरी गुड, इक्वल टू क्या हो गया? I। अब यहाँ से हमको निकालना है एवरेज पावर। आपको इंटरचेंज पावर पता क्या होता है? दो वर्ड आते हैं एवरेज और एक होता है इंटरस्टेनियस। इंटरस्टेनियस का मतलब होता है, सपोज मैंने बोला, बहुत इजी वे में समझाता हूँ, डिस्टेंस सपोज मैं पांडुना से लेके नागपुर जा रहा हूँ, पांडुना से क्या जा रहा हूँ? नागपुर, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। मेरी गाड़ी, मैं कार चालू किया, अभी यहाँ से 10 किलोमीटर की स्पीड से निकले, जैसे हाईवे में गया 40 किलोमीटर और मेन चला गया, वहाँ पे 100 की स्पीड में चलेगी गाड़ी मेरी। तो हर एक पॉइंट पे मेरी स्पीड क्या हो रही है? बदल रही है। अगर मैं बोलूँ मेरी एवरेज स्पीड कितनी थी, तो सपोज मैं डेढ़ घंटे में पहुँचा, मैं डेढ़ घंटे में पहुँचा, तो मेरी एवरेज स्पीड सपोज कितनी है? 50-60 किलोमीटर है। अगर मैंने बोला कि सावनेर के पास एग्जैक्ट ये पॉइंट पे आपकी स्पीड कितनी थी, मैंने बोला उस टाइम पे मेरी स्पीड 74 किलोमीटर थी। तो इंटरस्टेनियस का मतलब होता है, अगर किसी पॉइंट पे पूछ लिया मैंने, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे, जैसे ये कर्व है, मैंने बोला भाई यहाँ पे बताओ कितना है या यहाँ पर कितना है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टेनियस। अगर मैंने बोला पूरा बता दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा बता दो, इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है। तो हमें पहले पढ़ना है इंटरस्टेनियस पावर, उसका पढ़ना है हमको एवरेज पावर। तो इंटरस्टेनियस पावर क्या होगा? इंटरस्टेनियस पावर, पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर। I की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर, तो फिर क्या हो जाएगा? आई एम का स्क्वायर साइन ओमेगा टी वैसे का वैसे इंटू आर,
ठीक है, फंक्शन है, ठीक है, तो ये वैल्यू हमको याद रखनी है, ठीक है, काम आएगी हमको आगे LCR सर्किट में, ठीक है, अब नोट डाउन कर लो। ठीक है,